الحمد لله के हम दूर हो जाते हैं
खुशियां बांध नहीं पड़ती। कुरान करीम की एक आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला ने इत्तेबाए मुस्तफा का हुक्म दिया, उसके कुछ समारात और नताएज जिक्र फरमाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम अहले इस्लाम पर जो हुकूक हैं, उनमें ईमान लाने के बाद एक हक आपसे मोहब्बत करना और आपकी इत्तेबा इताअत करना। अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, लोगों को कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते, कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, जिसके दो दर्जे हैं, एक को मुहिबियत कहते हैं, दूसरी को महबूबियत कहते हैं। मोहब्बत इलाही की इब्तिदा मुहिबियत से होती है और ये कमाल को महबूबियत के साथ पहुंचती है। मुहिबियत का मतलब ये है कि बंदे को अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, वो अल्लाह से मोहब्बत करे। महबूबियत ये है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे। मुहिबियत भी कमाल है, लेकिन महबूबियत उससे बड़ा कमाल है। अल्लाह ने इस कमाल तक पहुंचने का नुस्खा क्या बताया? फरमाया, हबीब कह दीजिए, फत्तबिउनी, खास मेरी इत्तेबा, फत्तबिउनी, मेरी इत्तेबा। सरे दस्त एक नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा, अगर फत्तबिउनी से पहले आयत करीमा के अल्फाज पर गौर किया जाए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुहिब्बून का मादा मोहब्बत है, इसकी मुनासबत का तकाजा यह था, आगे फत्तबिउनी की जगह फअहिब्बूनी होगा कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरे साथ मोहब्बत, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत तक पहुंचाती है। मोहब्बत मुस्तफा मोहब्बत खुदा की सीढ़ी है, मोहब्बत मुस्तफा मोहब्बत खुदा का जीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम ने फअहिब्बूनी कहने का नहीं फरमाया, बल्कि फत्तबिउनी कहने का फरमाया कि अगर अहिब्बूनी होता तो कोई शख्स दावे मोहब्बत को ही काफी समझ लेता, इश्क रसूल के दावे पे इक्तफा कर लेता, हालांकि महज दावे से बात बनने वाली नहीं है। महज दावे से मुद्दई साहिले मुराद तक पहुंच नहीं सकता। अगला मरहला बताया कि फकत दावा नहीं, दलील के साथ दावा नहीं, दावे के साथ दलील, फत्तबिउनी और मोहब्बत इलाही के दावा, इसकी सदाकत की दलील इत्तेबाए मुस्तफा है। दावा गलत भी हो सकता है, लेकिन जब उसकी सच्ची दलील साथ लग जाए तो फिर उसकी सदाकत यकीनी हो जाती है। अरबी का एक शायर कहता है, तासिर रसूल वअंत तुज़हिरु हुब्बहु, तासिर रसूल वअंत तुज़हिरु हुब्बहु,
हाजा लामरी फिस ज़मानी बदीयु, तो रसूल की नाफरमानी भी करता है और अपने आप को आशिक़े रसूल भी कहता है। हाजा लामरी फिस ज़मानी बदीयु, तेरा ये तरीका जमाने में बड़ा मुख्तलिफ है, अजीबो गरीब है। वलौ काना हुब्बु का सादिकन ला अताता, अगर तेरा दावा मोहब्बत सच्चा होता। वलौ काना हुब्बु का सादिकन ला अताता, तो नबी की इत्तेबा करता, नबी की इताअत करता, नबी की बात मानता, अपने किरदार की बुनियाद किरदार नबूवत पे रखता, अपनी सीरत की इमारत सीरत मुस्तफा पे उस्तवार करता। वलौ काना हुब्बु का सादिकन ला अताता, अगर तेरी मोहब्बत का दावा सच्चा होगा तो नबी की बात मानने से पीछे ना हटता। क्यों? इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मुहिब तो महबूब की एक एक अदा पर जान दे देता है, वो महबूब की पसंद को पसंद करता है, खा उसके नजदीक को ना पसंद ही क्यों ना हो, महबूब की नापसंद को नापसंद करता है, ख्याम उसके नजदीक महबूब और पसंद ही क्यों ना हो। वलौ काना हुब्बु का सादिकन ला अताता, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, अगर तो नबी का सच्चा आशिक होता नबी की बात जरूर मानता, क्योंकि मुहिब महबूब की एक एक अदा पर जान दे देता है। इसलिए फरमाया अहिब्बूनी नहीं फत्तबिउनी, फकत दावे मोहब्बत नहीं, अमल करके इत्तेबा करके इताअत करके मोहब्बत के दावे के साथ दावे की सदाकत की दलील को जोड़ा जाए। ये वो मौका है जिसमें जज्बात मचलते हैं, ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती है, दोस्त अहबाब के इसरार गिरफ्तार करने लगते हैं, फिर मुआशरे के बहुत सारे ताने और न जाने क्या क्या हरबे अपनाए जाते हैं कि किसी तरीके से शहराए सुन्नत से उतार दिया जाए, जज्बात और ख्वाहिशात की रोह में बहा दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद सुन्नत और शरीयत पे डटे रहना, खड़े रहना, इस पे जितनी भी मुबारक दी जाए उतनी ही कम। फरमाया फत्तबिउनी, हबीब ने कहिए मेरी इत्तेबा करो। इत्तेबा किसे कहते हैं? किसी के पीछे चलने को इत्तेबा कहते हैं, नक्शे कदम पे चलने को इत्तेबा कहते हैं, कौल या फेल में मुताबात करने को इत्तेबा कहते हैं। इत्तेबा का मतलब क्या है? कि जिसकी इत्तेबा है अमल भी वही हो जो उसने किया, तरीका भी वही हो जो उसने अपनाया, और किया भी इसलिए जाए कि उसने किया, किया भी इसलिए जाए कि उसने किया, अमल भी उसी का, तर्ज़े अमल भी उसी का, सबबे अमल भी वही, इसे इत्तेबा कहते हैं। अगर कोई शख्स अमल तो नबी का करे लेकिन तरीके पे मर्जी करे, फेल तो नबी का करे लेकिन तर्ज अपनी मर्जी से चुने, ये नबी की इत्तेबा नहीं है। अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल सुन्नत तरीके से किया जाए तो फिर कामिल बरकात जाहिर होती है, वरना ऐसे भी होता है कि नबी का अमल नबी के तरीके से हट के किया जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तरगीब तरहीब में रिवायत आती है, हजरत अली कुल मुर्तजा शेर खुदा असदुल्ला करमल्ला रजीअल्लाह ने ईद के दिन ईद की नमाज से पहले किसी को नफल पढ़ते देखा तो हजरत अली कुल मुर्तजा ने उसे मना किया कि ये दुरुस्त नहीं है, नफल क्यों पढ़ते हो? वो कहने लगा कौन सा गुनाह का काम कर रहा हो, मैं नमाज ही तो पढ़ रहा हूँ और नमाज पे अल्लाह किसी को अजाब नहीं देते। हजरत अली बिन मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे बिना शुबा तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन जिस वक्त तू पढ़ रहा है ये वक्त शरीयत से साबित नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से साबित नहीं है, इसलिए तेरा नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, तेरा नमाज पढ़ना बेकार है और
इस वजह से अल्लाह तुझे अजाब भी देंगे कि तू नमाज पढ़ रहा है अल्लाह की लेकिन मुखालफत में पढ़ रहा है रसूलुल्लाह। अमल भी मुस्तफा का, तरसे अमल भी मुस्तफा का। एक शख्स ने दूसरे को सलाम किया, उसने सलाम के जवाब में दुरूद पढ़ दिया। मिश्कात शरीफ की हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। एक ने दूसरे को सलाम किया, दूसरे ने सलाम के जवाब में दुरूद पढ़ दिया, अल्लाह के नबी ने नापसंद किया और फरमाया बेशक दुरूद इबादत है मगर यहाँ इसका मकाम नहीं है। तो जिस इबादत की जो जगह है उसे उसकी जगह पे रखना चाहिए, उसका जो तरीका है उसी तरीके से करना चाहिए। यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, हमारे आज के मुआशरा में जब कोई शख्स मजलिस से उठ के जाने लगता है वो कहता है अच्छा खुदा हाफिज, अच्छा अल्लाह हाफिज। बिना शुबा खुदा हाफिज जुमला बुरा नहीं है, अल्लाह हाफिज का लिमाम बुरे नहीं है, इनका माना भी अच्छा है, अल्फाज भी अच्छे हैं, लेकिन ये बात पल्ले बांध लीजिए, ये अल्फाज जितने भी अच्छे हो, इनका माना जितना भी खूबसूरत हो, ये नबी की सुन्नत का खाना कभी पूर्ण नहीं कर सकते, ये नबी की सुन्नत के खाने में कभी पूर्ण नहीं हो सकते। नबी की इत्तेबा का तकाजा ये है कि अमल भी नबी का हो, तरसे अमल भी नबी का हो और सबब भी ये हो कि ये नबी ने किया है, अगर नबी ना करते तो हम कभी ना करते। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत असफद को बोसा दिया तो उस मौका पे कहा ऐ हजरत असफद, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नफा तेरे बस में, ना नुकसान तेरे बस में, ना इज्जत तेरे बस में, ना जिल्लत तेरे बस में, ना तरक्की तेरे बस में, ना तनसुनी तेरे बस में, तुझे जो फकत इसलिए रहा हो कि तुझे आमीना के लाल महबूब रब्बे सुलजलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा हबीब किबरिया फखरुल अंबिया सैयदुल बरा शमसुस सुहा बदरुद दुजा रहबर ने चूमा है। अगर मोहम्मद के दर ने तुझे न चूमा होता उमर तुझे हाथ भी ना लगा। इन्हें कहिए कि मेरी इत्तेबा करें, इन्हें कहिए कि मेरी इत्तेबा करें। कितनी जरूरी है इत्तेबा, अगर इत्तेबाए मुस्तफा नहीं ईमान नाकिस है, इत्तेबाए मुस्तफा नहीं इस्लाम मशकूक है, इत्तेबाए मुस्तफा नहीं इबादतें और रियाजतें रायगां है। और कहना चाहूंगा अगर नबी के तरीके से हटकर, नबी की सुन्नत से हटकर, नबी के इत्तेबा की शाहराह से उतरकर कोई नेकी भी की जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा का दामन छोड़कर इबादत भी की जाए तो वो इबादत इबादत नहीं रहती। एक शख्स खड़े होकर कयाम में अपनी कमर और गर्दन को अकड़ा देता है, एक शख्स रुकू करके अपनी गर्दन झुका देता है, अगर किसी शख्स की पेशानी पे सजदों की वजह से निशान पड़ जाए, कयाम की वजह से गर्दन अकड़ जाए, रुकूआत की कसरत की वजह से कमर झुक जाए, जिक्र अज़कार की वजह से ज़ुबान थक जाए और आदों वज़ाइल की वजह से तस्बीह टूट जाए, अगर किसी शख्स की शब्बेदारी की वजह से आंखें सुरख हो जाए, अगर किसी शख्स की इबादत और रियासत की वजह से सेहत कमजोर हो जाए, चीलों की वजह से बदन खुश्क हो जाए, जिस्म सूख जाए, लेकिन ये सब कुछ नबी की सुन्नत और तरीके से हटकर हो तो ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक हो, अगर नबी की सुन्नत से हटके कोई जिहाद भी करे तो बेकार है, और नबी की सुन्नत के साथ बैतुल खला भी चला जाए तो इबादत है। नबी के तरीके से हटकर कोई तलवार भी उठाए, कोई तलवार भी उठाए तो मुनाफ़िक़
की सुन्नत के मुताबिक कदम बैतुल खुदा में भी रख दे तो इबादत है, नबी की सुन्नत से हटकर खैर का काम भी किया जाए तो शरीयत पसंद नहीं करती। आइए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ जिल्द सानी 757 सफा पर एक रिवायत जिक्र की, अज़वाजे मुतहररात में से एक के पास तीन सहाबी आए, उन्होंने आके नबी के मामूलात और आपके आमाल के बारे में पूछा। अज़वाजे मुतहररात ने कहा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नवाफिल पढ़ते हैं, हुजूर नफली रोजे भी कसरत से रखते हैं, आप आमाल और इबादात में मसरूफ और मशगूल रहते हैं। ये तीनों सहाबी आपस में कहने लगे, अय्न नहनु मिन नबी, कहां नबी कहां हम, कद गफर अल्लाह लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख्खर, अल्लाह ने आपके तमाम के तमाम ज़म्ब जिससे तिलाफ़े औला मुराद है, क्योंकि गुनाह से नबी मासूम होते हैं, अल्लाह के नबी कोई ऐसा नहीं गुजरा जो गुनाह में मुब्तला हुआ हो, अंबिया गुनाहों से मासूम है। यहाँ एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह माबूद है और अल्लाह ही माबूद है, अंबिया मासूम है और अंबिया ही मासूम है, सहाबा महफूज है और सहाबा ही महफूज है, वो कहाँ मौजूद है, बस वो कहाँ ही मौजूद है। नबी साहबी कहते हैं, कहा नबी और कहा हम, अगर नबी नबी होकर गुनाहों से मासूम होकर इस कदर इबादत करते हैं तो हमने तो किया ही कुछ नहीं। कद गफर अल्लाहु लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख्खर, हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए। अब तीनों आपस में मशवरा कर रहे हैं, एक ने कहा फ़इन्नी उसल्ली लैला अबदा, मैं हमेशा रात को नमाज पढ़ा करूंगा, लम्हा भर के लिए भी नहीं सोऊंगा, आंखों में नींद का सुरमा भी नहीं लगाऊंगा। दूसरा क्या कहने लगा, अना असूम तहर, मैं हमेशा रोजे रखा करूंगा, ना अफ्तुर इफ्तार नहीं लिया करूंगा। तीसरे ने कहा ला आतसिलु, तीसरे ने कहा आतसिलु निसा, मैं औरतों से हमेशा दूर रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, आतसिलु निसा वला अतसफ्फत, मैं खवातीन से दूर रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए कि बीवी बच्चों के साथ जो वक्त गुजरेगा वो अल्लाह की याद से गफलत में गुजरेगा। जब हुजूर इस कदर इबादत करते हैं तो हम तो मासूम भी नहीं है, हमें तो बहुत ज्यादा करना चाहिए। फजा रसूलुल्लाह इलैहिम, इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, जो कुछ फासला पे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, अल्लाह के रसूल नमदार हुए जिसने उनकी बातों को सुन लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अंतुमुन नज़ीर कुंतुम कसा व कसा, तुम ही हो जो ये बातें कर रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हम ही ये बातें कर रहे थे। हुजूर नसीहत के तौर पे फरमाते हैं, देखो तुम में कोई भी मुझसे ज्यादा मुत्तकी नहीं है, तुम में कोई भी मुझसे ज्यादा परहेजगार नहीं है, और कोई कैसे हो सकता है जो सोतो भरा इल्म हिकमत सखावत और शजाअत अदालत और शराफत फाको सका चूदो सका बंदा नवाजी गरीब परवरी अनवारात और बरकात अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाए किसी को नहीं अता, किसी को नहीं दी। आप हर लिहाज से मुमताज हैं, फायदे हैं। तो अर्ज मैंने ये किया, हुजूर ने फरमाया तुम में कोई भी मुझसे ज्यादा मुत्तकी नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा मुत्तकी, तुमसे ज्यादा परहेजगार, तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, लेकिन याद रखो इसके बावजूद इन्नी उसल्ली लैला व अरकुम, मैं रात को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैंने शादियां भी की है, तो तुम कैसे मेरे तरीके को छोड़कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तुम कैसे मेरे तरीके से हटकर इबादत करना चाहते हो। और मैंने तसव्वुर इकबाल ने हदीस पढ़ी, इस मौका पर हुजूर ने फरमाया इबादत नहीं जब तक तर्ज़ इबादत मुस्तफा का नहीं। फरमाया फत्तबिउ
कि खास मेरी इत्तेबा करे, खास मेरी इत्तेबा। अल्लाह देगा क्या? यह एक बात और अर्ज करता, फत्तबीउन नबी नहीं कहा, फत्तबीउन रसूल नहीं कहा, फत्तबीउन ही कहा। क्यों? अल्लाह के नबी पेशीन को ही फरमा चुके, इन्नहु सयकून फी उम्मती सलासून कसाबून दज्जालून, कि मेरी उम्मत में 30 काज़िब नहीं कसाब पैदा होंगे, दाजिल नहीं दज्जाल पैदा होंगे। मुबालगा, कुल्लुहुम यज़अल, हर एक ये दावा करेगा, अन्नहु नबीउल्लाह, कि वो अल्लाह का नबी है। बात पल्ले बादलो, अना खातमुन नबीयीन ला नबिया बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब अगर फत्तबीउन नबी होता, फत्तबीउन रसूल होता, तो इन 30 में से कोई भी झूठा दावेदार उसका मिसदाक अपने आप को बताता और अपनी इत्तेबा की दावत दे के लोगों को गुमराह करता। अल्लाह ने नबी के खत्म नबूवत का कैसा काबिल इजहार किया, फरमाया फत्तबीउनी कहो, या ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की, इसमें दूसरे की शिरकत का इस्तेमाल नहीं है, दूसरे की शिरकत का इनकार नहीं है। अल्लाह ने किसी और के दावे नबूवत और दावत इत्तेबा की धजिया बखेर के कहा, इन्हें कहिए कि खास मेरी, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्ना बिन कुसई बिन केला बिन मुर्रा बिन का, खास मेरी इत्तेबा करो, अगर मेरी इत्तेबा करोगे तो अपनी मंजिल को पहुंचोगे, नहीं तो रास्ते में भटकेगा। घर लक्ष्य कदम तेरे मिशाल न बने होते, घर लक्ष्य कदम तेरे मिशाल न बने होते, राहबर भी लुटा होता, राहरव भी लुटे होते। सलाम उस साथे अकदस पर, सलाम उस फखरे दौरा पर, सलाम उस साथे अकदस पर, सलाम उस फखरे दौरा पर, अनगिनत जिसके एहसानात है दुनिया इनका पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, प्यामे दोस्ती लेकर सादिकुल वादुल अमी बनकर, सलाम उस पर के जिसके नूर से फुरूर है दुनिया, सलाम उस पर के जिसके लुत्फ से मशहूर है दुनिया, सलाम उस साथे अकदस पर हयाते जाविदानी का, सलाम आजाद का आजाद की रंगी बयानी का। फत्तबीउनी, खास मेरे इत्तेबा करो, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के मोड़ दिए, उस मुहसिन आजम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिए। फत्तबीउनी, इन्हें कहिए खास मेरी इत्तेबा, किसी और की नहीं। मिलेगा क्या इस इत्तेबा की बरकत से? मिलेगा क्या? फरमाए युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत के लिए निकलने वालों, तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। इस इत्तेबा की पावर ये है कि तुम तो मोहब्बत करने वाले बनोगे ही, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। और अगर चाहिए भी कमाल है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, लेकिन बड़ा कमाल ये है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस जिक्र की कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फिर अकेला अल्लाह ही नहीं करता, उसकी सारी मखलूक करती है, फिर अकेला रब नहीं करता, रब्बे कायनात की सारी कायनात करती है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिर्मिज़ी में हदीस जिक्र की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स हुज़ूर की इत्तेबा करता है, आपकी इताअत करता है, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, उसे अपना महबूब बना लेते हैं। फिर अल्लाह जिब्रील को कहते हैं, फलाना बंदा मेरा महबूब है, आप भी उससे मोहब्बत करें। जिब्रील मोहब्बत करते हैं, आसमानों पे ऐलान होता है,
इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कायनात का सदरा सदरा इंसान को पुकार पुकार के कह रहा है। इकबाल ने तर्जुमानी की कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। जब कोई शख्स हुजूर की इत्तेबा करता है फिर उसे अपनी पहचान नहीं करानी पड़ती, रब उसकी पहचान कराता है और इस कदर पहचान कराता है कि पुष्क दरिया उसके रुके को पर लेता है। फिर पहचान में इतनी पतंदी आती है कि हवा उसकी आवाज पहचान लेती है। वो मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, तो हवा के छोके उसकी सुभान से निकले हुए अल्फाज मुजाहिदी और सहाबा के कानों से टकरा के छोड़ते हैं। फिर इस कदर पहचान होती है कि सभी उसके तुर्रे को सलसला उसके तुर्रे को पहचानता है। फिर पहचान की बुलंदी ये होती है कि आग उसके कपड़े को पहचान के दबक जाती है। पहचान की बुलंदी ये होती है वो चलता जमीन पे है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अगर ये आशिकीन की जमात जंगलों से गुजरती है, सहराओं से गुजरती है, वीरानों की आबादों से गुजरती है, इन्हें जानवर और दरिंदे पहचानते हैं। जब जमाते सहाबा जंगल के करीब आती है तो उनके एहतराम में जंगल के दरिंदे मासूम बच्चों को गर्दनों पे डालकर उनके लिए कतार अंदर कतार जंगल खाली करते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और जब कोई शख्स हुजूर की इत्तेबा नहीं करता, मुखालफत करता है, मानते हैं आजाद सुन्नत है पर जहां है वही है, मानते हैं दुरूद इबादत है पर जहां है वही है, सलाम के जवाब में नहीं है, मानते हैं अल्लाह हाफिज अच्छा कलमा है पर सलाम की जगह पे नहीं है। अगर कोई शख्स इस पुष्पावी में जैसा कि आज कर आले बिदत है, मैंने कौन सा गुनाह का काम किया, कुरान ही तो पढ़ रहा है, कुरान ही तो पढ़ा है, कौन सा मैंने गुनाह का काम किया है, अमल भी नबी का तरसे अमल भी नबी, जो अमल नबी ने किया वही हो, जहां किया वही हो, जिस तरह किया उसी तरह हो, फिर क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाएगा, महबूब बनाएगा। अतरहीम अतरहीम में आयत आती है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे, जमाते सहाबा आई, आपके वुज़ू का पानी लेना शुरू किया, वुज़ू का पानी लेकर अपने जिस्म पे मलने लगे, बदन पे मलने लगे, पानी के छींटे और कतरे जिन सहाबा के हाथों लगे, उन्होंने पानी के कतरे मल लिए, छींटे मल लिए, और पानी की किल्लत थी अरब में आज भी है, जिनके हाथों पानी नहीं लगा, एक खुशक हाथ वाले ने दूसरे के तर हाथ पे हाथ फेरा, फिर बरकत के लिए अपने बदन पे मलने लगे। हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया इस तरह करने पर, तो सहाबा कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने, जो बिल्कुलुल्लाह अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने मजबूर किया। तो आमीना के लाल कहते हैं अच्छा अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत चाहते हो तो तीन कामों को लाजिम पकड़ो, एक तो सच बोलना, झूठ कभी ना बोलना, सच बोलना झूठ कभी ना बोलना। दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक की अदायगी में ताखीर ना कर, हक की अदायगी में ताखीर ना करना। तीसरा फरमाया हमसायों से हुस्ने सुलूक कर, हमसायों से हुस्ने सुलूक करना, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नसीब होगी।
तो नबी की इत्तेबा खुशी में भी गमी में, खुशी में भी गमी में। ना हमारी खुशी नबी की सुन्नत के ताबे है, ना हमारी गमी नबी की सुन्नत के ताबे। हमारी खुशियों में भी हिंदुआना रसूम, हमारी खुशियों में भी हिंदुआना अकदार, और हमारी गमी में भी वही गिनती के त्यौहार अलमिया है। आज के मुसलमान को सोचना चाहिए कि नबी के फरमाने पर इसके टखने भी नंगे न हुए, नबी के फरमाने पर इसके टखने भी नंगे न हुए, और अंग्रेज बदबूदार को देख के इसने घुटने भी नंगे कर। नबी के कहने पर जिसके टखने भी नंगे न हो, और अंग्रेज बदबख्त को देखकर वो अपने घुटने भी नंगे कर ले, यहां तक निकल पहन कर फिरे। तो बताइए यसुआक से जितना भी कहे मैं नबी का आशिक, ये पूरा बाजार क्या पूरा गांव क्यों ना सजा दे, ये खेतों में छतियां लगा दे, तासिर रसूल व अंत तुझिर हुब्बहु हाजा अमर फि जमान बदियु वलो कान हुब्बुका सादिकन लअताताहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीयु। परवाना वो नहीं होता जो बोल के कहे मैं परवाना हूं, परवाना बोल के नहीं बताता मैं परवाना हूं, वो शम्मा पे जल के दिखाता है कि मैं परवाना हूं, वो शम्मा पे जल के दिखाता है मैं परवाना हूं। तो जो भी मुकम्मला अल्लाह से अपनी मोहब्बत अदा करेंगे, इसलिए नबी की इत्तेबा नबी का हक भी है, नबी का हक भी है, नबी की शफात का जरिया भी है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और महबूबियत का वसीला, मोहब्बत और महबूबियत का वसीला भी है। सहाबा किराम का इत्तेबाए मुस्तफा का ज़ौक क्या था, ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता, फकत एक आध वाकया जिक्र करता हूं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान को रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब हुजूर ने हुदैबिया से सफीर बनाकर मुसाफरात के लिए सरदारा ने कुरैश के पास मक्का में भेजा, हजरत उस्मान बिन अफ्फान गए रात अपने एक दोस्त और अजीज के पास ठहरे। जब वो सुबह अबू सुफियान वगैरह के पास मुसाफरात के लिए लेके जाने लगा, तो हजरत उस्मान बिन अफ्फान का तहबन टखनों से ऊपर था, पिंडली पे था। वो कहने लगे यार उस्मान अगर महसूस ना करे, यहाँ की तहजीब तमद्दुन कल्चर सकाफत रिवायात से शायद आप वाकिफ नहीं है, मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, बेशक चंद लम्हों के लिए सही, लेकिन अपना तहबन टखनों से नीचे कर लो, क्योंकि यहाँ सरदार उसे समझा जाता है, सरदार उसे माना जाता है जो खुद आगे जा रहा हो और तहबन गली साफ करता पीछे आ रहा हो। यहाँ गंदे तहबंद वाले, यहाँ गंदी शलवार वाले को सरदार समझा जाता है। तो आप बेशक चंद लम्हों के लिए सही अपने तहमत और इजार को टखनों से नीचे ढलका लें। हजरत उस्मान बिन अफ्फान ने कहा क्यों, कहा कि ये मुसाकरात से इनकार न कर दे, या तो सरदार उसे समझा ही नहीं जाता, मुसाकरात सरदारों का काम है, सफीर सरदार होता है। हजरत उस्मान बिन अफ्फान ने जब उसकी ये पेशकश सुनी तो चेहरे की रंगत बदल गई, चेहरे पे आसार तब्दील हो गए। हजरत उस्मान कहने लगे बात कान खोल के सुन लो, ये लोग मेरे साथ मुजाकरात करते हैं करें, नहीं करते तो ना करें, तहबंद एक इंच भी नीचे नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने मोहम्मद का इजहार यहीं पे देखा है, मैंने अपने पैगंबर का इजहार यहीं पे देखा है। ये था इत्तेबाए नबुव्वत का ज़ौक, जहां नबी खड़े हुए सहाबा खड़े हुए, जो नबी ने किया सहाबा ने किया, जब नबी ने किया तब सहाबा ने किया, जैसे नबी ने किया वैसे सहाबा ने किया। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म व अमल के पैकर ज़ोहद व फरा सराफा, मिशन फजील का दीने मती का गलबा, कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा, यही वजह है वो रोशन दौर था, क्योंकि इत्तेबाए मुस्तफा के चराग चल रहे। आज तारीख दौर है क्योंकि बिदात ने अंधेरे फैला, अंधेरे फैला,
उस दौर में तरक्की थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, शाहीन और गोरी नहीं था, लेकिन फिर भी कैसरो किसरा उनके नाम से लरजते थे। कैसरो किसरा उनके नाम से लरजते थे, क्यों? इसलिए कि उनके पास इत्तेबाए मुस्तफा की पावत अल्लाह के मदद को खींचती है, अल्लाह की नुसरत को खींचती है। ये उनके पास थी, बदरी के अता थी, बदरी के कमाल थी। इस इत्तेबाए मुस्तफा की बरकत से फिर अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की। मैं और आप अल्लाह की रजा के पीछे दौड़ रहे हैं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। नमाजी से पूछो नमाज किस लिए, कहते हैं रजाए इलाही को हासिल करने के लिए। रोजेदार से पूछो रोजा किस लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। मुजाहिद से पूछो जिहाद किस लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। मुखय्यर से पूछो खैरात किस लिए, कहेगा अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। दाई से पूछो दावत किस लिए, वो कहेगा अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। शहीद से पूछो शहादत किस लिए, वो कहेगा अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। सारी दुनिया अल्लाह की रजा के पीछे दौड़ रही है और अल्लाह की रजा उनके दामन में फेंक दी गई, उनके दामन में डाल दी गई है। रजी अल्लाह अन्हु व रजू अन्हु, उनके दामन में सर्टिफिकेट डाल दिए गए। अब हम में से कोई भी नहीं कह सकता, सब कुछ करके भी निशानी पे मेहराब बन गया, फिर भी नहीं कह सकते कि अल्लाह हमसे राजी है। क्या पता हमारे किस अमल से राजी है, किस से राजी नहीं है, हम नहीं कह सकते। लेकिन नबी का बिलाल हाथ खड़ा करके कह सकता है कि हमसे अल्लाह राजी है, इसलिए कि कुरान में सर्टिफिकेट उतरा है रजी अल्लाह अन्हु व रसूल अन्हु। हम जन्नत तलाश करते हैं, सहाबा को लाट हो चुकी है, इत्तेबाए मुस्तफा की पावर। और कहता हूं बाकी सारी इंसानियत किसी सहाबी की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकती। जो मारिफत के मर्तबे उनको मिले, वो बाद में किसी को नहीं मिल सके। क्यों? इसलिए कि कुफर ने, फिस्क ने, मासियत ने, बिदत ने वो रास्ता ही नहीं देखा जिस रास्ते पे मोहम्मद के सहाबा चलते थे, वो रास्ता ही नहीं देखा जिस पे हुजूर के सहाबा चलते थे। लाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ। क्या शान है उनकी, अल्लाह ने कुरान करीम में 750 आयात उतारी, क्या शान है उनकी। उनके आंसू का कतरा और छींटा भी ये तो अल्लाह जमीन पे नहीं जाने देते, नबी के रुखसारों पे जगा देते, नबी के रुखसारों पे जगा देते। नबुव्वत के साथ अल्लाह ने उनको जोड़ दिया, जैसे साया असर से अलग नहीं होता, सहाबियत नबुव्वत से जुदा नहीं हुई। जैसे हरारत सूरज को लाजिम, बुरूद चांद को लाजिम, नूर और रोशनी सूरज को लाजिम, खुशबू फूल को लाजिम, इनमें जुदाई नहीं है, ऐसे ही सहाबियत नबुव्वत के साथ खड़ी है। जैसे साया असर से जुदा नहीं होता, सहाबियत नबुव्वत से जुदा नहीं होती। नबुव्वत सफर में, सहाबियत सफर में, नबुव्वत हजर में, सहाबियत हजर में, नबुव्वत ख़ार में, सहाबियत ख़ार में, हत्ता के नबुव्वत मज़ार में, सहाबियत मज़ार। फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। जब कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो ज़ुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफर से बचना है, असहाब से जुड़ जाओ, ज़ुलुमात के तूफान में तनवीर सहाबा है। अगर कुफर से बचना है, असहाब से जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। इसलिए कि राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। तो अर्ज मैंने ये किया, इत्तेबा की बरकत से वो कहां पहुंचे, और हम अमरे रसूल की मुखालफत से कहां रह गए। فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ। जो नबी के अमर की, अमरे रसूल की
मुखालफत करें उन्हें दो चीजों से डरना चाहिए, दुनियावी अज़ाब से, मुसीबत फितना, ये कि कोई फितना उन्हें घेर ले, और मुसीबत अज़ाब अलीम, या फिर दर्दनाक अज़ाब जो आखिरत का अज़ाब है वो उन तक आ जाए। हमारे नबी से अच्छा तरीका किसी का नहीं, नबी की सुन्नत हिकमत से खाली नहीं, जैसे हुज़ूर अंबिया में आला है, आपकी शरीयत शरीयतों में आला, किताब किताबों में आला, जमात जमातों में आला, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मोने से आदम, नूह के हमदम खसर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबरे मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे हुक्मा हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए उस पे छिड़की प्यार के शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके इवस दारुए शफा दी तान सुने और नेक दुआ दी सकम सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सकाफत काले मरहमत आयने रहमत शाफी उम्मत मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर हाथ के खाली दिल के तवंगर मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी हस्ती की नकाली करें, सबसे बड़ी शख्सियत की नकाली करें, हमारे अकाबिर ने की, खुशी में भी की, गमी में भी की, राहत में भी की, मशक्कत में भी की, बानियदार उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कासिमुल उलूम वल खैरात मब्बे गुयूसो बरकात साहिब आबे हया हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बुलंद आवाज से लोग तो पता नहीं कैसे कैसों के साथ रजी अल्लाह लिख रहे हैं, आप हजरत नानोतवी जैसे तो रहमतुल्लाह कहने से डर रहे हैं, बुलंद आवाज से कहते। जब 1857 की जंग आजादी वक्ती तौर पे नाकाम हो गई, फरंगी मसाले पे बामे उरूज पे पहुंचे, तो अहबाब के इसरार पर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह रूह पोश हो गए, तीन दिन पूरे हुए मंजर पे आ गए, मुरीदीन तड़प गए, हजरत ये क्या माजरा है, फरंगी अफवाज आपकी गिरफ्तारी के लिए दंडनाती फिर रही है, अपने लिए ना सही उम्मत के, अपने लिए ना सही उम्मत के, आप सरवाया रूपोशी इख्तियार करें, तो हजरत नानोतवी कहते हैं तुम क्या समझते हो मैं गिरफ्तारी से डर के जान बचाने के लिए रूपोश हुआ था, तुम्हें किसने कहा गिरफ्तारी कल की होती आज हो जाए, क्योंकि उससे डर के मैं रूपोश नहीं हुआ, लेकिन मैं एक मिनट भी मजीद रूपोश नहीं रह सकता, पूछा क्यों, कहा इसलिए कि मैं हुजूर की गार वाली तीन रोजा रूपोशी की सुन्नत का मजा चखना चाहता था, मैंने चख लिया, अब उस लज्जत को मैं जाया नहीं करना, गिरफ्तारी होती है हो जाए, यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इंतेका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को जेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिब की निगहबानी, रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो फिरे दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पाए। मौलाना अमजद शाह साहब कश्मीर रहमतुल्लाह हमारे यहां हुजरावाला ये अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, अपने वालिदे गिरामी का एक वाकया बयान करते हैं, फरमाया जब खातमुल मुहद्दिसी मुहद्दिसुल असर व सवा अल्लामा अनवर शाह साहिब कश्मीर रहिमहुल्लाह मरज़ुल वफात में थे, अली बिस्तर पे थे, नीम बेहोशी की हालत, तो अहबाब ने दवाई पिलाने के लिए उनके लबों को खोला, लेते हुए लबों को खोला, और जैसे ही दवाई उनके मुंह में रखी जाने लगी तो फौरन होश आ गया, कहने लगे मुझे बिठाओ बिठाओ,
हजरत आप बैठने की पोजीशन में नहीं, आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। कहा फिर क्या हुआ अगर तकलीफ में इजाफा होता है? लेकिन मैं खिलाफ सुन्नत तरीके से दवाई पी के सेहत तलब नहीं कर सकता। ये पूरा एक सिलसिला है हमारे बुजुर्गों की इत्तेबा और इताअत का। इस वादी गुल का हर जर्रा किसका जिक्र करें? इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहां से उठा है वो पीर मुगा कहलाया है। इस बस्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे जस्ता तक है आम हमारे अफसाने। दीवार चमन से जिंदा तक ये उलमा वास्ता है, जरिया है, वसीला है इस खैर के जज्बे को सहाबा और उलमा की मारिफत आप तक पहुंचाने के। इनकी बरकत से आपको ये शुऊर आया, आगही आई, ये तलब और तड़प पैदा हुई कि अपनी खुशी को भी शरीयत के ताबे किया जाए, गमी को भी शरीयत के ताबे किया जाए। याद रखिए मुसलमान आजाद नहीं है ना माल कमाने में आजाद कि जिस तरह मर्जी कमा, ना कमाई को लगाने में आजाद कि जैसे और जहां चाहे लगा दे, ना खुशी में आजाद ना गमी में आजाद। अब दुनिया सिजरुल मुमिन व जन्नतुल काफिर यहाँ एक पाबंदी की जकड़ में है। जिसने यहाँ पाबंदी कबूल कर ली जन्नत उसी की है, वहां इस पे कोई पाबंदी नहीं। वहां इसके तसव्वुर तस्दीक बने, इसकी ख्वाहिशात मुतशक्कल हो के सामने आएगी। तो ये चंद रोजा जिंदगी अब दुनिया मजरातुल आखिरा ये खुशी की घड़ी है। लेकिन ये भी जिक्र में रखे दो खानदान आपस में मिलते हैं। जब दो खानदान आपस में मिले, दो अफराद नहीं दो खानदान आपस में मिले, उस वक्त कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह की मदद और नुसरत उठ जाए। मिल तो जाए लेकिन मुसीबत पूरी जिंदगी गले लगी रहे। अगर इस मौका पे एहतियात कर ली जाए तो बरकत हमेशा आपके कदम चूमेगी, खैर हमेशा आप पर साया फगल रहेगी, अल्लाह की इनायात की बारिश हमेशा आप पे बरसती रहेगी। तो मैं मौलाना खुर्रम शहजाद साहब को और आप तमाम गाँव वालों को इस तर्ज को मुतारफ करवाने पर, इसे मुस्तहकम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना तसव्वुर इकबाल साहब ने देख और सुन लिया, अब समझे आपका ये फैजान, आपकी ये बरकत, आपकी ये सोच, आपकी ये फिक्र सिर्फ इस ढींग गांव तक नहीं रहेगी, ये पहुंची नौनार में, उससे आगे पहुंची फिर ये नारोवाल में, फिर आगे शकरगढ़ में, ये फैलेगी और इस तरह इत्तेबाए सुन्नत की खुशबुओं से ये पूरा इलाका मुअत्तर होगा। अल्लाह ताला हमारे भाई राणा अब्दुल वहीद साहब को अपनी पूरी जिंदगी भर खुशियां नसीब फरमाए, हर दुख और बदनजरी से हिफाजत फरमाए। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उस्वे मुस्तफा को आम करें। जिनसे होता है जमाने में उजाला उन चरागों का इंतजाम करें। आखिर उदावाना अनिल हमदुल्ला। और अपनी घड़ी नाना देखता।